हेलो स्टूडेंट्स, मुझे प्रीवियस क्लास रे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर किछ क्वेश्चन करैथिले पिले। एबे तार आउ किछ क्वेश्चन देखिबा जार नाम हेडिंग दिछि इक्विलिब्रियम बेस्ड क्वेश्चन। आमे लडी इक्विलिब्रियम ऊपर क्वेश्चन कूलम्स लॉ रे भी करै चारथिले। एवं इक्विलिब्रियम रा माने कोन बुझथिले ना जो चार्ज बा जो पॉइंट इक्विलिब्रियम पचारेबो मींस सेथि हमर नेट फोर्स केते पाइबा जीरो। एबे सही क्वेश्चन को पिले ने के आमे करिबा देखो कोन दैछि ना टू पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम एंड Q2 इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। मींस दुटा पॉइंट चार्ज असंदी, फर्स्ट चार्जर मैग्नीट्यूड केते 16 माइक्रो कूलम एवं सेकंड चार्जर मैग्नीट्यूड केते 4 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। कोटे असंदे माने वैक्यूम रे एयर रे बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एवं तांगो ते दूरता केते दिजि 3 मीटर। सो फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम, मींस तांको जो लाइन जॉइन करूची तार ऊपर हमें गोटे पॉइंट फाइंड करवा व्हेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जो पॉइंट रे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन हम जीरो हम। तो पहले जहां से क्वेश्चन दे डाटा मुझे फिगर आउट कर दीटा चार्ज दे गोटे ए चार्ज गोटे बी चार्ज। ए रेत माइक्रोकुलम चार्ज अच्छे 16 माइक्रोकुलम, बी रे गोटे चार्ज अच्छे 4 माइक्रोकुलम एवं दूरता देती 3 मीटर। एवं से पचारे लाइन जॉइनिंग मीन लाइन जॉइनिंग गोटे पॉइंट फाइंड कर जो पॉइंट रे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो मीन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हम। बोले सेम कनसेप्ट यूज करा जहां कूलम्स लॉ यूज करते कौन ना जदि मैग्नीट्यूड सेम था जदि ये 16 माइक्रो कूलम और ये 16 माइक्रो कूलम था तो पॉइंट ओब्वियसली मिड पॉइंट ऑलरेडी को पढ़े सारी। किंतु जदि गोटे बड़ मैग्नीट्यूड चार्ज अच्छे गोटे छोट मैग्नीट्यूड चार्ज अच्छे तो पॉइंट कौट नौ ना छोट मैग्नीट्यूड पाखे एक पे अलरेडी आलोचना कर सारी। बिले कूलम्स लॉ रे भी टाइप क्वेश्चन आम बनते जदि मो कह कथ दि जन चार्ज मैग्नीट्यूड सेम था जो ओब्वियसली जो पॉइंट था ठीक मिड पॉइंट रही था। किंतु जेहेतु एबे गोटे बड़ चार्ज अच्छे गोटे सान चार्ज अच्छे मीन गोटे बड़ मैग्नीट्यूड चार्ज गोटे सान मैग्नीट्यूड चार्ज तो से केस पॉइंट को सब कौटी चूज करते सान मैग्नीट्यूड पाखे तो आम सब पॉइंट को चूज करवा क्या 4 माइक्रोकुलम पाखापाखी और यार पाखापाखी मीन भितर भी हो पारे बाहर भी हो पारे। तो देखा दुटा केस पत्र कौटा कंडीशन सैटिस्फाई करेंगे जदि मुझे भितर ने लेट से 4 माइक्रोकुलम ठार एक्स दूर अच्छे पॉइंट पी पॉइंट तो पिले यही पॉइंट क्वेश्चन अनुसार नेट फील्ड कत दरकार जीरो। अरे क्वेश्चन अनुसार ए पॉइंट नेट फील्ड कत दरकार जीरो पिले पी पॉइंट दुटा फील्ड पाया दुटा इलेक्ट्रिक फील्ड पाया गोटे ए कुलम बा ए चार्ज जो गोटे बी चार्ज जो से दुटा फील्ड को आड कले कत दरकार जीरो। दैट मीन से दि जन डिरेक्शन कौन हम दरकार अपोजिट दीटा वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी ना आम से पी पॉइंट दीटा इलेक्ट्रिक फील्ड पाया गोटे ए जो गोटे बी जो एवं ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड को आड कले के दरकार जीरो। तो केत पसिबल हो पे मैग्नीट्यूड सेम रहा डिरेक्शन कौन रहा अपोजिट तेज तो आड कले जीरो हम। तो देख य पॉइंट डिरेक्शन अपोजिट हो ना नहीं पहले ए जो ए पॉइंट डिरेक्शन कौन हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलरेडी बतई सारी पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड डिरेक्शन आउ बन तो ए चार्ज जो पी पॉइंट डायरेक्शन आउ ए बन मीन ये बनी पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए जो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए डायरेक्शन। सिमिलरली बी जो डायरेक्शन पी पॉइंट कौन बन फील्ड रहा बी भी तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड डायरेक्शन से पॉइंट आउ ए बन तो इे बन पे ये बन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। हाँ ये पसिबल हो पाए कौन ये जो दुटा फील्ड डायरेक्शन अच्छे परस्पर अपोजिट तम यहाँ आड कले आंसर जीरो कि बाहर ने भी प्रोब्लेम कौन हम देख जदि मु छोट चार्ज बाहर ने भी लेट यार बाहर मुझे एक्स दूरत रखिली तो ए पॉइंट दुटा फिल्ड पाइबी गोटे ए जो गोटे बी जो देख ए जो फिल्ड डायरेक्शन ए पॉइंट कौन हम आउ ए डायरेक्शन हम बी जो पॉइंट फिल्ड डायरेक्शन से आड़े बन मैंने दुटा डायरेक्शन सेम बनी जो दुटा फिल्ड डायरेक्शन सेम बनी कौन आपको आड कले जीरो कि ना तो केस टू पॉसिबिलिटी ना केस टू हो पार ना मैंने चार्ज को पॉइंट को आम छोट चार्ज पाखे रखा कि भितर रखा तमें यही पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो। सो आज ईपी ईपी मीन पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हवा दरकार तो पी पॉइंट दुटा फील्ड पाइबी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी पहले इक्वाल सैन बताऊँ मैग्नीट्यूड सेम नेगेटिव बताओ डायरेक्शन अपोजिट तमें ईपीए मैग्नीट्यूड जी ईपी मैग्नीट्यूड भी सेक ईपीए वैल्यू फाइंड कर ईपीए कौन ना पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कह जो ए जो तो आम अलरेडी पढ़ी सारे पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड रैल्यू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर
ଏହାକୁ ତ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଠି। ସୋ ୱାନ୍ ବାଇ ଫୋର୍ ପାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍ କ୍ୟୁ, କ୍ୟୁ କହିଲେ କାହା ଯୋଗୁଁ ଫାଇଣ୍ଡ କରୁଛ, ଏ ଯୋଗୁଁ। ସୋ କ୍ୟୁର ଭାଲ୍ୟୁ 16 ମାଇକ୍ରୋ କୁଲମ୍ ବାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ଆର୍ କହିଲେ ଏ ରୁ ପିର ଦୂରତା, ବୋଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ଏ ରୁ ବିର 3 ମିଟର, ତାହେଲେ ଏ ରୁ ପିରୁ କେତେ ହବ 3 - x, ତ 3 - x ର ସ୍କୋୟାର। ଶୁଣିଲେ ଇପିବି ଫାଇଣ୍ଡ କର, ଇପିବି କ'ଣ ନା ପି ପଏଣ୍ଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କାହା ଯୋଗୁଁ ବି ଯୋଗୁଁ, ତ କେତେ ହବ ନା 1/4 πାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍ କ୍ୟୁ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। କ୍ୟୁ କହିଲେ ବି ପାଖରେ ଥିବା ଚାର୍ଜ କେତେ ନା 4 μ/କୁଲମ୍ ବାଇ ଆର୍, ଆର୍ କହିଲେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର, ବି ରୁ ପିର ଦୂରତା ଏକ୍ସ ର ସ୍କୋୟାର, ଏବଂ 1/4 πାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ ପିଲେ ହବ। ତ 16 μ/କୁଲମ୍ କଟିବ, 4 ରେ 16 କୁ କାଟିଲେ 4 ପାଇବି, ତ 4/3 - x² ଇକ୍ୱାଲ୍ 1/x². ସୋ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି, 3 - x² / x² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4, ଏବେ ଦୁଇ ପଟ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ନେଇଗଲି। ସୋ 4√2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 - x/x, ଏବେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର, ସୋ 2x = 3 - x, ତ ଏକ୍ସ ଫେଡ଼ା ହେଇଯିବ ଗଲେ ଆଡ଼ ହବ, ସୋ 3x = 3, ତ x = 1 ମିଟର, ତ ଆମେ ପଏଣ୍ଟର ଲୋକେସନ୍ ପାଇଗଲେ ବୋଲି। ତାମାନେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ନବା, ସେ ପଏଣ୍ଟ ଛୋଟ ଚାର୍ଜ ଠାରୁ 1 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ, ଯଦି ଛୋଟ ଚାର୍ଜ ଠାରୁ 1 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଚାର୍ଜ ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରହିବ, 2 ମିଟର, କମ୍ପେ ଟୋଟାଲଟା 3 ମିଟର ଥିଲା। ହେନ୍ସ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଲାଇଂ ଆଟ୍ 1 ମିଟର ଫ୍ରମ 4 μ/କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ ଆଣ୍ଡ 2 ମିଟର ଫ୍ରମ 16 μ/କୁଲମ୍ ଚାର୍ଜ। କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଲ? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଚାଲ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କ'ଣ ଦେଇଛି, 2 ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ Q1 = 16 μ/କୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ Q2 = -4 μ/କୁଲମ୍। ତମେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯା, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବସେଇବା। ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନେଚର ପଜିଟିଭ ଥିଲା, ଇଏ ବି ଯୋଉ ନେଚର ଇଏ ବି ସେଇ ନେଚର, ମିନ୍ସ ଇଏ ପଜିଟିଭ ଇଏ ପଜିଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କଲା ନା ଜଣକୁ ପଜିଟିଭ ଜଣକୁ ନେଗେଟିଭ ଦେଇଛି। ଆର୍ ପ୍ଲେସଡ୍ ଇନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବାଇ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ 3 ମିଟର, ମିନ୍ସ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯାହା ଏବେ ବି ସେଇଆ, କେବଳ ଚାର୍ଜର ନେଚର ଅପୋଜିଟ୍ କରିଛି, ଏମାନେ 3 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଜଏନିଂ ଦେମ୍, ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ଲାଇନ୍ ଜଏନିଂ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ କର, ହୋଇ ଆର୍ ଦ ନେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ୍ 0, ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ନେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ମିନ୍ସ ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ 0 ହବ। ତ ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଫିଗର ଆଉଟ୍ କରେଇଦେବା ତାର, ଦେଖ ତ ଦେଖ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଇଛି ମୁଁ ବନେଇଦେଲି, ପିଲେ ଦୁଇଟା ଚାର୍ଜ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ 16 μ/କୁଲମ୍ ଗୋଟେ 4 - 4 μ/କୁଲମ୍। ତ ପିଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାନ, ଯଦି ବଡ଼ ସାନ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟକୁ କୋଟ ନେବା, ଛୋଟ ପାଖରେ ନେବା, ମାନେ ଛୋଟ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ପସିବିଲିଟି ହେଇପାରେ, ଆଇଦର ଭିତରେ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ବାହାରେ ହେଇପାରେ, ତ ଦେଖିବା କୋଉଠି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଭିତରେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ନେବି ପି ପଏଣ୍ଟ, ତ ଏଠା ଦେଖି ଏଠି ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ଡ ପାଇବ, ଗୋଟେ ଏ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବି ଯୋଗୁଁ, ବୋଲେ ଏ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ହବ ନା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଏ, ତ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏ ବନିବ, ତ ଇଆଡ଼େ ବନିବ, ବୋଲେ ଇଏ ହେଲା ଏ ର ଫିଲ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ୍ ବନିବ। ଆଚ୍ଛା ବି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହବ, ବି ହେଉଛି ନେଗେଟିଭ, ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଟୁଆର୍ଡ ଚାର୍ଜ, ତାମାନେ ବି ପଟକୁ ବନିବ, ତାମାନେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ଫିଲ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସେମ୍ ବନିଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମ୍ ବନିଲେ ଆଉ କ'ଣ ନେଟ୍ ଫିଲ୍ଡ 0 ହବ କି ନା, ତ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ତ ଏଠି ରଙ୍ଗ ବନିଯିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟକୁ କୋଉଠି ରଖିବା ନା ଛୋଟ ପାଖରେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ରଖିବା, ଯଦି ବାହାରେ ରଖିଲେ ଦେଖ ଏଠି ଏ ଚାର୍ଜ, ଏଠି ବି ଚାର୍ଜ, ତାଙ୍କ ଦୂରତା 3 ମିଟର, ମୁଁ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ପି ନେଇଛି ସେ ବି ଠାରୁ ଏକ୍ସ ଦୂରରେ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ନାହିଁ ବାହାରେ ନେଇଛି। ଦେଖ ବାହାରେ ନେଲେ ପସିବିଲିଟି କ'ଣ, ଏଠି ବି ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ଡ ପାଇବି, ଗୋଟେ ଏ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବି ଯୋଗୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହବ, ଏ ତ ପଜିଟିଭ, ତ ପଜିଟିଭ ଯୋଗୁଁ ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏ ବନିବ, ତାମାନେ ଇଏ ବନିଯିବ ଫିଲ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ୍, ଇଏ ବନିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ର ଡିରେକ୍ସନ୍। ସିମିଲାରଲି ପି ପଏଣ୍ଟରେ ବି ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ଡ ପାଇବ, ଆଚ୍ଛା ବି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହବ, ବି ତ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ, ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଫିଲ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଟୁଆର୍ଡସ୍ ଚାର୍ଜ, ପଏଣ୍ଟରୁ ଟୁଆର୍ଡସ୍ ଚାର୍ଜ ହବ, ତ ପଏଣ୍ଟରୁ ଟୁଆର୍ଡସ୍ ମିନ୍ସ ଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବନିବ, ଇଏ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବି, ହଁ ଏ କେସ୍ ପସିବୁଲ୍ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଏଠି କେସ୍ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବ। ତ ଏଇ ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ 0 ହବ, ତ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ଡ ପାଇବି, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଟ୍ ପି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଟ୍ ପି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0। ସୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ନେଗେଟିଭ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ବି, ନେଗେଟିଭ ବତୁ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ଏବଂ ଇକ୍ୱାଲ୍ ବତୁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେମ୍, ତାମାନେ ଇପିଆର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ ଯେତିକି ଇପିବିର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେତିକି। ଏବେ ଇପିଏ କ'ଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ, ପି ପଏଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏ ଯୋଗୁଁ, ତ କେତେ ହବ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ, 1/4 πାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍ କ୍ୟୁ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର। କ୍ୟୁ କହିଲେ ଏ ପାଖରେ ଥିବା ଚାର୍ଜ କେତେ, 16 μ/କୁଲମ୍ ବାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତ ଏ ରୁ ପିର ଦୂରତା ଟୋଟାଲ କେତେ ହବ 3 + x² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପି ପଏଣ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ବି ଯୋଗୁଁ କେତେ ନା 1/4 πାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ ନଟ୍ କ୍ୟୁ, କ୍ୟୁ କହିଲେ ବି ପାଖରେ ଥିବା ଚାର୍ଜ, ହଁ ପିଲେ ଯୋଉ କ୍ୟୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ 1/4 πାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ କ୍ୟୁ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ସେ କ୍ୟୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୋର୍ସ ଚାର୍ଜର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ କେବଳ, ତ ବି ପାଖରେ ଯୋଉ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତାର ମ୍ୟାଗ୍ନିଟ୍ୟୁଡ୍ କେତେ 4 μ/କୁଲମ୍, ସୋ 4 μ/କୁଲମ୍ ବାଇ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ରୂପେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର। 1/4 ପାଇ ଏପ୍ସିଲନ୍ କଟିବ ପିଲେ, ଇଏ 16 μ/କୁଲମ୍ କଟିଲେ 4, ସୋ 4/3 + x² 1/x² କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର, ସୋ 4 = 3 + x² / x² ରୁଟ୍ ଓଭର ନେଲେ, ସୋ 2 = 3 + x / x କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 2x = 3 + x, ତ x = 3 ମିଟର। ତା ମାନେ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ନେବା ସେ ଛୋଟ ଚାର୍ଜ ଠାରୁ 3 ମିଟର ବାହାରେ ରହିବ, ଯଦି ଛୋଟ ଚାର୍ଜ ଠାରୁ 3 ମିଟର ବାହାରେ ରହିବ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଚାର୍ଜ ଠାରୁ କେତେ ହବ ନା, ଇଏ 3 + 3 6 ମିଟର ଦୂର। ତା ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ନେଚର ସେମ୍ ଥିଲା ତ
तो पॉइंट भितर नौले जब नेचर अपोजिट पॉइंट बाहर ना तो आम डायरेक्टली आपको मन रखिपर भी जदि दुटा चार्ज नेचर सेम अच्छी तो पॉइंट छोट चार्ज पाखे ना कि भितर पटे ना जदि दुटा चार्ज नेचर अपोजिट अच्छी तो पॉइंट एवं छोट चार्ज पाखे जब कि बाहर नौ यहाँ सर्ट मेथड भी अच्छे सर्ट मेथड कौन ना से जहाँ पढ़ते ये भी सही पिले अरे से तो इक्विलिब्रियम केस सर्ट मेथड पिले पढ़ी ना ये भी सर्ट मेथड से पिले ता माने ये जो एक्स तुम फाइंड करो एक्स कौन ना से पॉइंट रो दूरता क्या छोट चार्ज ठार के हम ना सेम मेथड रूट क्यू वन बाय रूट क्यू टू प्लस रूट क्यू वन इंटु एल जदि क्यू वन क्यू टू सेम नेचर थे तेज यहाँ फर्मुला जब क्यू वन क्यू टू अपोजिट नेचर थे तो तले केवल ये माइनस पलि आसो क्यू वन कौन ना छोट चार्ज क्यू टू कौन बड़ चार्ज एल कौन एल है डिस्टेंस क्यू वन क्यू टू भितर देख तुम आपको पे सल्व भी कर देख आम आपको यूज करके जो प्रीवियस क्वेश्चन करे पे प्रूफ भी कर फर्मूला ठीक अच्छे बोली पे देख पे मुझे सल्व कराऊ तुमको देख जदि फर्मूला अनुसार करवा तो क्वेश्चन नंबर टू देख क्वेश्चन नंबर टू रे कौन दी क्यू वन के क्यू वन है छोट चार्ज तो माइनस फोर माइक्रोकुलम क्यू टू कौन क्यू टू है बड़ चार्ज के सिक्सटीन माइक्रोकुलम अच्छा एल कौन एल है दूरता के थ्री मीटर अच्छा तेल एक्स के फाइन करवा कौन फर्मूला दीजा नेचर अपोजिट पिले नेचर अपोजिट थे कौटा यूज करा तलटा यूज करा नेचर जब सेम थी ऊपरटा यूज करा नेचर अपोजिट थे तलटा यूज करा तल फर्मूला कौन ना क्यू वन रूट ओवर बाय क्यू टू रूट ओवर माइनस क्यू वन रूट ओवर इंटु एल ये एक्स कौन एक्स है से पॉइंट दूरता क्या छोट चार्ज ठार तो देख फाइंड कर क्यू वन रूट ओवर कहले क्यू वन कहले फोर फोर माइक्रोकुलम रूट ओवर पिले क्यू वन कौन छोट चार्ज मैग्नेट्यूड रूट ओवर क्यू टू बड़ चार्ज मैग्नेट्यूड सिक्सटीन माइक्रोकुलम रूट ओवर माइनस क्यू वन छोट चार्ज रूट ओवर फोर माइक्रोकुलम रूट ओवर इंटु दूरता है थ्री मीटर एल सो फोर हम ए टू यूनिट काट दूसरे पे टू तले के हम षोल चार माइनस दुई इंटु तीन तो कत दुई बै दुई इंटु तीन दुई दुई कैनसल तो थ्री मीटर देख तमें जो पॉइंट ना से छोट चार्ज थ्री मीटर दूर रही ऑप्शन भी सही आसे तो पिले ये से मेथड ता माने इक्विलिब्रियम केस रे शॉर्ट मेथड एका पिले रहिबो ओके तो पिला जे सेति कि थाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड रो न्यूमेरिकल सल्ला देन आगु को आमे पिले नुवा क्वेश्चन सॉल्व करिबो थैंक यू।